आई बंधन विशेष रूप से, क्योंकि गणेश पुराण की तो कथा आरंभ होने वाली है और हम प्रमुख वेदी के ऊपर उन भगवान गणेश जी को बैठाएंगे। हम तो नित्य पूरा अनंत चतुर्दशी तक उनको सिंदूर घी में मिलाकर और रोजाना 21 दूर्वा भगवान गणेश के ऊपर आप भक्तों की तरफ से भी यहाँ भगवान गणेश जी को 21 दूर्वा तो वो चढ़ाई जाएगी जो भगवान गणेश जी की पूजा में एक विधान है, 108 दूर्वा और जो यहाँ वेदियों की जो रोज पूजा होगी उसमें 108 दूर्वा भगवान गणेश जी की चढ़ाई जाएंगी। तो मैं माताएं ये पूजन करें तो सिर ढक करके बढ़िया तरह से ज्योत जला करके इन दिनों में आप अपने घर में अखंड ज्योत जला लीजिएगा अनंत चतुर्दशी तक। भगवान गणेश जी को भोग में गुड़ अति प्रिय है और मोदक बहुत प्रिय है। लड्डू और गुड़, इन दो चीज़ों का भोग इनको बहुत लगता है। दुर्वा 21 दुर्वा तैयार कीजिए, उसके नीचे जड़ों में कलावा बांध दीजिएगा। फिर आप जब पहले सिंदूर चढ़ाएं, फिर कुमकुम लगाएं उनको, फिर ऊपर लगाएं चावल, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, और फिर उनको पहना दें जनेऊ, यज्ञोपवीत पहना दें। यज्ञोपवीत के तत्पश्चात उनके ऊपर फूल चढ़ाएं, भगवान को फूल चढ़ाएं। फूल चढ़ाने के तत्पश्चात फिर उनको आप दुर्वा चढ़ाएं। ओम गम गणपतये नमः पूज्यामि, क्या बोलना है आपको? ओम गम गणपतये नमः पूज्यामि, ओम गम गणपतये नमः पूज्यामि, ओम गम गणपतये नमः पूज्यामि। कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है ये आप कर सकें तो आप ये देख लीजिएगा, ओम गम गणपतये नमः। और इसमें ऐसा भी हो सकता है अपनी बेटी को पास बैठाइए, बेटे को पास बैठाइए, तो वो बच्चे नहा धो करके इस पूजा में आप पूरे परिवार के लोग बैठिएगा, वो बोलेंगे माँ इस दर बैठी होगी, बाबूजी इधर बैठे होंगे, बच्चे कहेंगे रुद्राक्ष की माला हो आपके पास तो वह भी आप ले सकते हैं। फिर आप 108 दुर्वा बना लीजिएगा, जैसे एक माला घुमाएं बोलिए ओम गम गणपतये नमः। सामने माताजी या बाबूजी जो भी कोई पूजा में बैठे हैं जो दुर्वा चढ़ा रहे हैं वो बोलेंगे पूज्यामि, फिर आप बोलिए ओम गम गणपतये नमः, फिर जो दुर्वा चढ़ा रहे हैं वो बोलेंगे पूज्यामि। चाहे आप 21 दुर्वा चढ़ाएं चाहे आप 108 दुर्वा चढ़ाएं अनंत चतुर्दशी तक, ये एक बार करके देख लीजिएगा, आनंद आ जाएगा, आप हमें भूल नहीं पाएंगे ये मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने इन देवों का अतिशय प्रभाव देखा है। एक कलश जरूर भरिएगा, वहाँ रख दीजिए उनके सन्मुख कलश, उसके ऊपर नारियल रख लीजिएगा, उसमें कलश में एक सिक्का भी डाल लीजिएगा, पंच पल्लव भी डाल लीजिएगा। कल आप फलियार में ही आप व्रत करें, परसों से एक समय भोजन ले लें। यदि इसको अनुष्ठानिक रूप से इसको आप यदि करते हैं तो एक समय आप भोजन ले लीजिए अनंत चतुर्दशी तक। बीच की तो बातें मैं आपको रोज बताता ही रहूँगा। मंगल मूर्त है जो भगवान गजानंद भगवान गणपति हैं, देवता भी अपने कार्य के लिए भगवान गणेश के पास पहुँचते हैं। शादियों में जब बच्चों का विवाह होता है कोई भंडारा किया जाता है तो दिया जलाकर गणेश की प्रतिमा रख दी जाती है, जैसे भंडारे में कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। तो पूजा में अपना आसन लगाकर लोटा भरिए, कुसा का आसन हो तो कुसा का, ऊन का हो तो ऊन का, और ये कुछ भी ना मिले तो कम्बल बिछा लीजिए, कम्बल भी ना मिले तो अपनी गर्म शॉल, माताएं आपको जो ओढ़ने वाली शॉल होगी ना, ऐसा ऊनी एक वस्त्र है जो बिना धुलाई किए हुए भी अपने आप में शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है, ऐसा आसन लगाइए। पूजा के समय पर घर के सब लोग बैठें, भगवान का आह्वान करें, वंदन करें। आप संकल्प भी कर सकते हैं, हाथ में जल ले लीजिएगा, चावल ले लीजिएगा, फूड रख लीजिएगा, आपके पास वो संस्कृत का संकल्प तो आएगा नहीं, लेकिन आप अपने भाव से अपने मन की भावना तो व्यक्त कर सकते हैं। भगवान को कह सकते हैं प्रभु यह पूजा हम इसलिए कर रहे हैं बच्चों का काम धंधा लग जाए, ये पूजा हम इसलिए कर रहे हैं घर में बीमार लोग हैं उनको दवाई नहीं लगती, ये पूजा हम इसलिए कर रहे हैं बच्चे सयाने हो गए हैं उनका विवाह नहीं हो रहा है। भगवान आप कृपा कीजिएगा, हमारी इस पूजा से आप संतुष्ट होइएगा, कोई त्रुटि गलती भी हो जाए तो आप हमें माफ क्षमा कर दीजिएगा, ऐसा कह के भगवान के सन्मुख आप जल छोड़ दीजिएगा। दीपक जलाइए पूजा में, पंचोपचार से पूजन, याद रखिएगा कि भगवान को सिंदूर अति प्रिय है, चाहे हनुमान जी हों और चाहे भगवान
गणेशों। याद रखना, हमारी सनातन संस्कृति में सूखा सिंदूर तांत्रिक लोग चढ़ाते हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा घी मिला लीजिएगा, घृत मिलाकर फिर इस उंगली से, इस उंगली को कहते हैं यह है तर्जनी, यह है मध्यमा और यह है अनामिका। इस उंगली से भगवान को, भले ही आपने जो भी पीतल के हैं, तांबे के हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आप कर सकते हैं, तो आप माथे से लेकर सूंड तक, उनके पेट तक, और यह भी आप ना कर पाए तो आपके घर में चंदन तो होगा, आप चंदन का लेपन जरूर करें भगवान को। सिंदूर मिल जाए बहुत अच्छी बात है, जनेऊ का ध्यान रखिएगा, और पूरा ये 9-10 दिन का जो प्रोग्राम है अनंत चतुर्दशी तक, इसमें आप कपूर से आरती जरूर करें। मैंने पूर्व में भी बोला होगा, कपूर से देवताओं की आरती करने पर घर में मूक और बधिर बच्चों, गूंगे और बहरे बच्चों का जन्म नहीं होता, मंद बुद्धि वाली संतान का जन्म नहीं होता। ये मंद बुद्धि वालों को, थोड़ी उनकी बुद्धि प्रखर हो, उसके लिए भगवान गणेश की पूजा इतनी दिव्य है, क्या कहूँ। जय गणेश, जय गणेश। गणेश का प्रभाव इस आरती में आप देख लीजिएगा, 3-4 कड़ियां हैं आरती की, उसको ऊपर से नीचे तक पड़ी है। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता त्यारी पार्वती, पिता महादेवा। फूल चढ़े, पान चढ़े, और चढ़े मेवा, थोड़ी सी ड्राई फ्रूट रख लीजिएगा, पंच मेवा रख लीजिएगा। फूल चढ़े, पान चढ़े, और चढ़े मेवा, लडुअन के भोग लागे, संत करें सेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। अंधिन को आँख देत, अंधिन को आँख देत, रोगिन को काया, और मैयन को भक्त देत, मैयन को पुत्र देत, निर्धन को माया। हो सकता है कड़ियां तुम दूसरे हिसाब से गाते हो, और मैं नहीं गाऊंगा उस हिसाब से जिस हिसाब से आप गाते हो। मैं तो इस आरती को ऐसे गाता हूँ, अंधन को आँख देत, रोगिन को काया, और मातन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, और माता त्यारी पार्वती।